तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो वीडियो का थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं जा रहा हूं दिल्ली से लेके और बिजनौर तक, और बिजनौर किसी पर्सनल काम की वजह से जा रहा था, साथ में मेरे कुछ और लोग भी थे। तो वीडियो मैंने सोचा यार एक वीडियो बना देता हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा अपडेट रहेगी। और अभी मैं चल रहा हूं मेरठ एक्सप्रेसवे पर, और ये आप देख रहे हैं मेरठ एक्सप्रेसवे का रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया। तो इसकी अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा, तो ये अब चालू हो चुका है। यहाँ पर जो एयरप्लेन रखा था हवा हवाई करके है उसका, और वो भी चालू हो चुका है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे है, हल्दीराम KFC वगैरह आप वीडियो में देख ही रहे हैं, ये सब भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अब। और अगर कोई चाहता है कि भाई मेरठ एक्सप्रेसवे की सेपरेट वीडियो देखना चाहता है, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैंने इस वीडियो में मेरठ एक्सप्रेसवे को ज़्यादा कवर नहीं किया गया है। और जिस दिन मैं निकला था उस दिन काफ़ी बारिश भी थी, तो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा थोड़ी बहुत जगहों पर बारिश भी। और मेरठ एक्सप्रेसवे का ये टोल आ चुका है, और टोल का प्राइस है ₹155 अगर आप सरायकालिका से लेके मेरठ तक आते हैं। देखिए मैं मेरठ पे पहुंच चुका हूं, और ये जो राइट वाला रास्ता आपका जा रहा है, ये चला जाएगा मेन मेरठ सिटी के अंदर। और आपको मवाना वाला अगर रूट लेना हो या बैशुम्बा वाली साइड जाना हो, तो आप उस वाली साइड से जा सकते हैं। वैसे मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। और अभी मैं चल रहा हूँ NH 334, जो कि है आपका मेरठ हरिद्वार हाईवे, और इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। और बारिश हो रही थी बहुत ज़बरदस्त उस दिन, और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था। बाकी इस वीडियो में मैं रूट लूँगा आपका खतौली, खतौली से बिजनौर जाऊँगा। तो अभी थोड़ा सा जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो हम लेंगे खतौली वाला टर्न, बताता हूँ आपको। अभी आप देख रहे हैं मैं शुभारती के पास पहुँच चुका हूँ, और यहाँ से सबसे पहला फ्लाईओवर शुरू होता है, और यहाँ से टोटल 3 फ्लाईओवर आएंगे। तो अगर आप कैंट एरिया होते हुए बिजनौर जाना चाहते हैं ना, तो उस पर ही मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। और जो थर्ड नंबर का फ्लाईओवर है, उससे नीचे से आपको जाना पड़ेगा, ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं, इसी वाले फ्लाईओवर के नीचे से हमें राइट जाना पड़ेगा, तो हम कैंट एरिया की तरफ चले जाएंगे। बाकी इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अब आ चुका है 500 मीटर पे टोल प्लाज़ा, और ये इस जर्नी का दूसरा टोल प्लाज़ा है। सबसे पहले तो मेरठ एक्सप्रेस वे वाला ही पड़ता है, और दूसरा पड़ता है ये वाला टोल प्लाज़ा जिसका नाम है शिवाय टोल प्लाज़ा। और यहाँ पे जो टोल टैक्स कटता है वो कटता है ₹110 का, यानी कि ₹110 का। तो अभी आप सामने की तरफ देख रहे हैं एक बोर्ड आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है खतौली, वैसे वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा होगा। तो यहीं से ही हमें लेना है राइट की तरफ खतौली के लिए। और अगर आपको इसकी पहचान जाननी हो, मतलब कि कोई आइडेंटिटी, तो यहाँ पे एक चीतल ग्रैंड करके है, बाकी ऊपर बोर्ड आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा, खतौली 5 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लेंगे राइट और चलते हैं खतौली की तरफ। और इस रूट पर कहीं पर भी हमको मुड़ना नहीं है, मतलब जैसे रोड जा रही है वैसे ही चलते रहना है। तो भाई खतौली की एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई हो तो इस रूट को अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि खतौली के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है जी। क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं रात के टाइम यहाँ से आया था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी। बाकी आप देख रहे हैं ये जो सामने वाली रेड लाइट आ रही है, यहीं से हमें राइट लेना है, और मैं बिल्कुल सीधा आया हूँ, कहीं पर भी मैं मुड़ा नहीं हूँ। तो ये जो सामने की तरफ आप पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे दो डाइवर्जन आ जाते हैं, एक लेफ्ट की तरफ रोड जा रही है, एक जा रही है बिल्कुल सीधा। तो अगर आप लेफ्ट वाली साइड चले जाते हैं, तो वो रोड आपको ले जाएगी जानसठ की तरफ, या आप मुजफ्फरनगर भी जा सकते हैं। और अगर आप सीधा सीधा चले जाएंगे, तो ये रोड आपको मीरापुर की तरफ लेके जाएगी। वैसे दोनों रास्ते एक ही जगह जाके निकलते हैं, लेकिन जानसठ वाला थोड़ा लंबा रास्ता है, और मैंने उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। इस रास्ते पर मैं अगर आपको रोड की कंडीशन के बारे में बताऊँ, तो जैसा आप सामने की तरफ देख रहे हैं ना, रोड अभी आपको काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। तो
4 किलोमीटर तक तो इसी तरीके की रोड है, काफ़ी सही रोड है। और उसके बाद जो रोड की कंडीशन है वो ख़राब हो जाती है। तो अभी आप जो सामने की तरफ देख रहे हैं ना, इस तरीके की रोड आ जाती है और ख़राब रोड है ये काफ़ी। और कुछ दूर तक इसी तरीके की रोड मिलने वाली है और उसके बाद फिर थोड़ी सी अच्छी रोड आ जाती है। अगर मैं आपको कुल मिला के रोड की कंडीशन के बारे में बताऊँ तो कुछ जगह तो अच्छी रोड है, कुछ जगह बेकार रोड है, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में सामने की तरफ। बाकी आपको ये रूट लेना चाहिए अगर आप जा रहे हैं बिजनौर के लिए, बेस्ट रूट यही रहता है। बाकी सिटी के अंदर से आने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, कैंट एरिया आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे भी ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि उस रोड पे हाईवे का काम चल रहा है। और जानसट वाले पे तो भाई एक और हाईवे का काम चल रहा है, वो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। और बाकी इस रूट पे ना आपको पेट्रोल पंप वगैरह भी मिल जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है पेट्रोल वगैरह की। बाकी छोटे छोटे गाँव पूरे रूट पर आपको मिलेंगे। बाकी इसके अलावा ना एक चीज़ का ध्यान रखिए, मान लीजिए आप लेट नाइट ट्रैवल कर रहे हैं और 10 बज गए हैं 11 बज गए हैं तो इस रूट का इस्तेमाल ना ही करें तो ठीक है। बाकी अगर यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट है ना, क्योंकि आजकल तो ये रोड कॉमन हो गया है तो यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह काफ़ी रहता है, तो अगर ट्रैफिक वगैरह चल रहा है तो ट्रैफिक के साथ आप भी निकल जाइए। अदरवाइज इस रूट का इस्तेमाल नहीं करिए क्योंकि काफ़ी सुनसान रहता है ये रात के टाइम। तो आप सामने की तरफ देख रहे हैं ये वाली जो रोड थी ये एंड हो जाती है और सामने की तरफ ये पूरा मीरापुर का एरिया है। और यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट के लिए, जबकि हमें जाना है बिजनौर की तरफ। तो चलिए लेते हैं लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न लेने के बाद हमें चलना है सीधा सीधा, और जो सामने की तरफ से जो रोड आ रही है ये आ रही है जानसट की तरफ से या मुजफ्फरनगर की तरफ से आप कह सकते हैं। और यहाँ से हमें लेना है राइट की तरफ। और भाई राइट लेने के बाद जो ये पूरी रोड शुरू हो जाती है ना, यानी कि मीरापुर से लेके बिजनौर तक, भाई इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मतलब यहाँ पे आपको इतने बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे ना कि अगर आपने वो गड्ढे को इग्नोर कर दिया ना तो आपकी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चलाइएगा। बाकी वीडियो में आपको दिखा दूंगा ये बहुत बड़े बड़े गड्ढे इस रूट पर मिल जाएंगे, क्योंकि भाई जो मेरठ पौड़ी हाईवे का काम चल रहा है ना वो पीछे की तरफ चल रहा है, लास्ट भैसुमा की तरफ चल रहा है, और आगे वाला जो फेज़ है ना वो डिफरेंट फेज़ है। ये अभी इसकी फाइल वगैरह अटकी हुई है जितना अभी मुझे पता है उस हिसाब से बता रहा हूँ। और बाकी यहाँ पे ना रोड पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं भाई, ध्यान से चलना पड़ेगा आपको। तो आप सामने की तरफ देख ही रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट कितना स्लो है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, इवन ट्रक्स को भी ना देखकर चलाना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं। देखिए ट्रक वाला बिल्कुल सामने आ गया, क्योंकि भाई यहाँ से निकाल ही नहीं सकता वो इतना बड़ा ट्रक होने के बावजूद, क्योंकि गड्ढा इतना बड़ा है। बाकी आप देख रहे हैं मैं इस जगह पे पहुंच चुका हूं, और यहाँ से जो राइट हैंड साइड पे रास्ता जा रहा है ना, ये भी एक पुराना रास्ता हुआ करता था जो कि रामराज जाके निकलता है मवाना रामराज के पास। बाकी इस रूट का इस्तेमाल कभी मत कीजिएगा, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है। और अभी थोड़ी दूर पर बैराज आने वाला है, और बैराज के पास तक की जो रोड है ना वो काफ़ी सही रोड है, मतलब काफ़ी सही है, मतलब कि पीछे वाली रोड से काफ़ी सही है। तो अभी आप सामने की तरफ देख रहे हैं मैं पहुंच चुका हूं चौधरी चरण सिंह मध्य गंगा बैराज, इस बैराज का नाम है ये। और मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने यहां का जो घाट है जहां पे स्नान वगैरह कर सकते हैं वो दिखाया है, और थोड़ा सा आपको बैराज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं बिजनौर पे, और आज की मेरी जो वीडियो थी वो यहीं तक होने वाली थी। तो वीडियो को करता हूं एंड, और आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाली है बिजनौर से कोटद्वार की।